Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Welcome to another exciting video of my YouTube channel. और आज जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो एक वायरल वीडियो के ऊपर है। जैसे बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं और हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि जो भी चीज़ वायरल होती है उसको मजीद वायरल से वायरल किया जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ कैप्शन लगा के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया गया। थंबनेल से और टाइटल में जो वीडियो चली है उसको देखकर तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये है पाकिस्तान की एक वीडियो जिसमें एक बब्बर शेर को दिखाया गया है कि गांव में घुस आया है, गांव में लोगों के साथ कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, ये वो सर कोई छाप रहा है अपने हिसाब से। तो मैंने कहा यार इस वीडियो की रियलिटी आपके साथ शेयर की जाए कि बेसिकली ये हुआ क्या था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पसंदीदा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग न्यू आए हैं इस चैनल के ऊपर उनको मैं वेलकम करता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। के ये खबर है तकरीबन दो महीने पहले की, तकरीबन यानी कि अक्टूबर 2020 की, पिछले साल की बात है। ये अभी तो फिलहाल जनवरी चल रहा है, मिड ऑफ जनवरी है ऑलमोस्ट। एक शख्स ने एक वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया कि पाकिस्तान में बब्बर शेर आ गया है। अच्छा, बेसिकली ये रावलपिंडी के करीब खानपुर एक इलाका है, वहाँ की ये वीडियो है क्योंकि उस इलाके के करीब जो है जंगल है, तो वहाँ से ये बब्बर शेर नमूदार हो गया और बब्बर शेर जो है उसकी वीडियो किसी ने लाइव डाल दी। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूँ कि ये बब्बर शेर पाकिस्तान में आया कहाँ से। बब्बर शेर जो है पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होते, मतलब ये जो कहना चाहिए बब्बर शेर जो है यहाँ के जंगलात में, लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं, चीते हैं, ये पाकिस्तान के ब्रीड में शामिल है, लेकिन बब्बर शेर कहाँ से आता, और ये स्पेसिफिक अफ्रीकन बब्बर शेर है। हमारे यहाँ बब्बर शेर को जो है ना फतह की अलामत समझा जाता है, और इतना जब मैं इस वीडियो के बाद सर्च करा था तो मैंने जब सिर्फ डाला तो बआसानी पाकिस्तान में आप एक बब्बर शेर का बच्चा यानी कि लायन का कब इंपोर्ट करा सकते हैं। कीमत भी है 3 लाख से 6 लाख के अंदर, उसके बाद इसे पाल लीजिए। अब ऐसे ही किसी साहब ने जो है इस बब्बर शेर को मंगाया होगा, उसने पाला पोसा बड़ा किया और यकीनन या तो इसे छोड़ दिया गया जंगल में और या फिर ये भाग गया। यकीनन ये किसी का पेट हो सकता है ओरिजिनल। ये पाकिस्तान में जो लोग ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में बब्बर शेर नहीं है, मतलब बब्बर शेर की नस्ल पाकिस्तान में नहीं है, अफ्रीकन लायन है, ठीक है। और ये बाकायदा इंपोर्ट करना से लेकर इसकी वैक्सीनेशन कौन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और मजे की बात ये तो बताऊं जब सर्च कर रहा था तो ओलेक्स पे भी शेर बिक रहे हैं, मतलब ओलेक्स पे अगर आप जाके लायन लिखेंगे तो ओलेक्स पे भी शेर बिक रहे हैं। तो मतलब आप ये हालत हो गई है अफ्रीकन शेर की कि 3 से 6 लाख रुपए में आराम से शेर मिल रहा है, ट्रेंड शेर जो आपके साथ हेल्दी शेर, मतलब इस अफ्रीका के बादशाह की हालत पाकिस्तान में ऐसे हो गई। क्योंकि पाकिस्तान में अंदर कानून तो है लेकिन हर शख्स जिसके पास पैसा आ जाता है वो बब्बर शेर को पालना जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज समझता है कि उसने बब्बर शेर पाला हुआ है। शेर को पालना आसान नहीं है क्योंकि इसकी खुराक और बाकी चीजों, और एक ये नेशनल हैबिटेट है, एक जंगली जानवर है, जब इसको लाकर आप पालना शुरू कर देते हैं, इसको पेट बना लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कुदरती चीज है कि वो जंगली जानवर है, उसे जंगल में ही रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल शौक तो फिर शौक है, उसका कोई कीमत नहीं, लोग अदा भी करते हैं और लाते भी हैं। तो यकीनन 100% श्योर ये भी शेर किसी का पालतू ही रहा होगा और अब जब उसे जंगल में छोड़ दिया गया या वो खुद से भाग गया तो उसे वो खुराक तो नहीं मिल रही। अच्छा, इस खानपुर का ही अगर जिक्र करें तो जंगल का जो सिलसिला है ये वही सिलसिला है जो आगे इस्लामाबाद मरगला तक टच करता है।
चीते की तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि मरगला की पहाड़ियों में चीते अवेलेबल हैं, एक जंगली हयात है पाकिस्तान की, तो वो तो नजर आते। तो उसकी भी कई वीडियोस मैं लगा चुका हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो बस यहाँ पर इसकी वीडियो को एंड करता हूँ कि यार लोग इसको कभी कह रहे हैं कि मरी के अंदर शेर दिख रहे हैं, कभी इसी वीडियो को इंडिया की वीडियो बता रहे हैं, कभी इसी वीडियो को कुछ बता रहे हैं, तो रियलिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। और ये बता दी कि ये एक अफ्रीकन लायन है और अफ्रीकन लायन तो अफ्रीका से बिलोंग करता है। मंगाना बहुत आसान है, पैसे अगर आपके पास हैं तो सिर्फ गूगल पर जाके लिखिए हाउ टू परचेज लायन इन पाकिस्तान, या आप प्राइस चेक करें, सारी डिटेल आ जाएगी। और मैंने क्या बताया, सबसे आसानी ओलेक्स पे भी शेयर बिक रहे हैं। तो मुझे याद जी इस दुआ के साथ के जहां रहे खुश रहें। आइए उस वीडियो को दोबारा देखते हैं, यहां मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। फिर इस दुआ के साथ के नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। और जाते जाते अगर अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को थम्स अप देना, कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Hey, 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 hey.